ठीक है, जरा सुनिए ध्यान से हाँ एवरीबडी। सी, दो वीक पहले इंस्टीट्यूट ने अपना नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया। आप लोग भी तो हल्ला तो सुने होंगे न्यू सिलेबस के बारे में, पिछला 10 दिन से दिमाग में वही सब चल रहा होगा, नया सिलेबस में क्या है क्या है क्या है। सुनिए, दी अकाउंटेंसी वाला जो न्यू सिलेबस है, पहले ना मेरे को थोड़ा सा उसके बारे में एनालिसिस करना है आपके साथ, और पूरा एनालिसिस अच्छे से सुनने के बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे, हम अकॉर्डिंगली आप लोगों का क्लासेस का अरेंजमेंट उस तरह से करवा देंगे। मतलब अगर आप ओल्ड सिलेबस में रह के पढ़ना चाहते हैं तो ओल्ड सिलेबस का जैसा क्लास चल रहा है वैसा चलता रहेगा, आप अपना एग्जाम दीजिएगा। अगर आपको न्यू सिलेबस में शिफ्ट करना है तो आप जस्ट एक बार मेरे को बोल दीजिएगा हमको शिफ्ट करना है, हम आप लोगों को शिफ्ट कर देंगे न्यू सिलेबस में। उसके लिए आप लोगों से कोई फीस नहीं लिया जाएगा, नो एक्स्ट्रा चार्जेस विल बी टेकन, ओके। लेकिन पहले मेरे को थोड़ा सा कॉपी में आप लोगों को थोड़ा सा पहले फ्रेमवर्क देने की जरूरत है, जस्ट सी इट। सी, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज, ये जो न्यू सिलेबस है इट वॉज एक्सपेक्टेड सिंस लॉन्ग। पिछले 5 साल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नया सिलेबस आएगा, आना चाहिए आना चाहिए। ओल्ड सिलेबस इज वेरी ओल्ड, अब वो मतलब आउटडेटेड टाइप का हो गया है, और न्यू सिलेबस आना चाहिए। उन्होंने थोड़ा जल्दी ला दिया, सडन। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2018 में आएगा, ये लोग थोड़ा सा पहले 2017 में ला करके रख दिया। बट वट एवर दे हैव डन इज ए कमेंडेबल जॉब, आई मीन दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब, एटलीस्ट द बिगिनिंग इज वेरी गुड। द कंटेंट जब मैं देख रहा था, मैं बाहर था अभी, तो बाहर में मैं कंटेंट देख रहा था, इट वॉज वेरी वेरी गुड। ठीक है, पहले ब्रॉडली आपको मैं ये बता दूं कि जो पूरा आईपीसीसी है ना, उसको एस बेस्ड कर दिया है, और पूरा जो सीए फाइनल है ना, विथ माइनर मॉडिफिकेशन हियर एंड देयर, पूरा जो सीए फाइनल है उसको इंड एस बेस्ड कर दिया है। कौन सी कंपनियां एस फॉलो करती हैं, जिनका नेटवर्थ एस एग्जिस्टिंग एस 250 करोड़ से नीचे रहेगा, क्लियर है ये वाला बात। तो अब क्या हो गया ना, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस, आईपीसीसी के बच्चे 250 करोड़ से नीचे वाली कंपनियों का जो जिनका नेटवर्थ है उनका अकाउंटिंग सीखेंगे, और जो सीए फाइनल वाले स्टूडेंट हैं वो लोग, हां, 250 करोड़ से ऊपर वाला जो कंपनी है उसका अकाउंटिंग सीखेंगे। दैट इज द मोटा मोटा बात, मैंने जिसको बोलते ना कि व्हाट इज द वन बिग पॉइंट दैट यू गॉट फ्रॉम द सिलेबस चेंज इज दिस। नॉन इंडेज फॉलोइंग कंपनी का सिलेबस आईपीसीसी में कवर होगा, इंडेज फॉलोइंग कंपनी का सिलेबस सीए फाइनल में कवर होगा। न्यू सिलेबस का मोटा बात यह है। माइनर माइनर सारा मॉडिफिकेशन, सारा चेंजेस, एवरीथिंग का एनालिसिस हम आपके साथ करेंगे, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि वेदर यू शुड बी देयर इन द ओल्ड सिलेबस या आपको न्यू सिलेबस में चले जाना चाहिए। कोई भी डिसीजन आपका होगा विल बी विथ यू। हम लोग आपको पूरा आराम से टाइम देंगे, आप आराम से अभी जैसे क्लास चल रहा है चलने दीजिएगा, और आराम से आप डिसीजन लीजिएगा विथ प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ योर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड अदर सीनियर्स। और मेरा भी जो आइडिया है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मेरे को यह लगता है कि आपको यह करना चाहिए, हम सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। बट वन थिंग इज दैट कि आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द इंस्टीट्यूट कि उन्होंने अच्छा काम किया है, द सिलेबस इज वेरी गुड। इससे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो वैल्यू थोड़ा सा मार्केट में पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा गिर गया था, वो अपलिफ्ट हो जाएगा। वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड सिलेबस जो आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपके पास जो नॉलेज कंटेंट रहेगा दैट विल बी फार फार बेटर देन पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग से मेरे को जो लगा मैंने आपके सामने रखा। अभी पहले पूरा आउटलाइन सुनिए। ओल्ड सिलेबस के जो बच्चे हैं उनको अभी और 6 टर्म एग्जाम देने मिलेगा, 6 more terms एग्जाम देने मिलेगा अगर वो लोग ओल्ड सिलेबस ऑप्ट करते हैं। कौन सा 6 टर्म्स स्टार्ट कीजिए मेरे को हेल्प करना। नवंबर,
17, May 18, November 18, May 19, November 19, May 20. चेक कीजिएगा तो एक बार ये वाला चीज खाली, नवंबर 20, अच्छा नवंबर 20 भी इंक्लूड किया है, तो सात, अच्छा ये लोग इसको इंक्लूड नहीं किया होगा, ओके ओके, हाँ तो वेरी गुड, नवंबर 20। अगर आप ओल्ड सिलेबस ऑप्ट करते हैं और ओल्ड सिलेबस से एग्जाम देते हैं तो ओल्ड सिलेबस का पेपर आपको अगले 7 टर्म तक देने मिलेगा, ये ओल्ड सिलेबस का अलग से पेपर आएगा, इवन दो तब तक न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हो चुका होगा, लेकिन आप लोग यू विल कंटिन्यू टू अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशंस इन द ओल्ड सिलेबस फॉर द नेक्स्ट 7 टर्म्स। तो 7 टर्म्स स्मॉल नहीं है, इट्स ए बिग टाइम, 7 एग्जाम आपको देने मिलेगा, ये छोटा टाइम नहीं है। इस बीच आप अगर अपना ओल्ड सिलेबस से सीए कंप्लीट कर लेते हो, सीए फाइनल पास कर लेते हो, तो यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डन। न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम कब है? हाँ, न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम है May 18। अब जो भी न्यू सिलेबस ऑप्ट करेगा वो मई 18 से अपना न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम दे देगा। आप लोग अगर ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में एंट्री कर चुके हो, मतलब इंस्टीट्यूट के सामने अगर आपने एडमिशन ले लिया है, तो ऑब्वियसली आप ये 7 टर्म तक ओल्ड सिलेबस दे सकते हैं। 8वें टर्म में, मतलब अगर 7 अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए सीए फाइनल्स, तो 8वें टर्म में ऑटोमेटिकली सोचिए न्यू सिलेबस में आपको एग्जाम देना है। तो ये आप लोगों के लिए एक तो वो हो गया कि इतना के अंदर अंदर अपने फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में पास कर जाएंगे, प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन अगर रुके तो नवंबर 20 के बाद, मतलब कौन सा टर्म बोलो, मई 21 वाला एग्जाम आपको ऐसे भी न्यू सिलेबस में देना पड़ेगा, तब तक आपकी शादीवादी हो जाएगी। तो अपने को पास इसी एक दो टर्म में ही कर लेना है, ओके। अब आइए न्यू सिलेबस के बारे में। अगर आप ओल्ड सिलेबस में एंट्रेंट हैं, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के सामने रजिस्ट्रेशन ले चुके, आप लोगों में से कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले लिया इंस्टीट्यूट के साथ, पूरा हाथ उठाइए नीचे, और कितने लोगों ने नहीं लिया वो लोग हाथ उठाओ, ओके ओके। पहले जो लोग रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं इंस्टीट्यूट के साथ, उनके पास ऑप्शन है, कब तक दिया डेट उसको, 30 जून शायद दिया, 30 जून 2017, मतलब आज कितना तारीख हो गया है, 12 जून, 30 जून 2017 का डेट दिया है कि आप इस दिन के अंदर अंदर ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में शिफ्ट करने का एक तो एप्लीकेशन दे दीजिए, कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह है इंस्टीट्यूट के सामने, तो आपको न्यू सिलेबस का स्टूडेंट मान लिया जाएगा। तो अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, जो लोग, और जो लोग ले लिया वो लोग का क्या है, ओके दैट्स गुड, मतलब जो लोग ओल्ड, तब तो आप लोगों के पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप और आराम से सोच के लीजिए, डिस्कशन कीजिएगा, गुड। तो सीन ये है कि आप लोग, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, और दो तीन बार आप अगर फेल भी हो जाते हैं ओल्ड सिलेबस में, तो उसके बाद भी आप न्यू सिलेबस में जा सकते हैं, दैट इज द स्टोरी लाइन। एनीवे, ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स वाले लोग न्यू सिलेबस में दे कैन शिफ्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई फॉर्मेलिटी इंस्टीट्यूट का होगा, एक तो एप्लीकेशन वगैरह आपको इंस्टीट्यूट में डालना पड़ेगा, यू कैन डू दैट। लेकिन जो लोग ओल्ड सिलेबस में एंट्री लेना चाहता है, जो लोग 5 बच्चे हाथ नहीं उठाए हैं, उनके लिए 30 तारीख है कि आप ओल्ड सिलेबस का दरवाजा आपके लिए खुला है, 30 तारीख के बाद ओल्ड सिलेबस का दरवाजा बंद हो जाएगा, आपको न्यू सिलेबस में चले जाना पड़ेगा, ओके। अच्छा, अब आइए, Why new syllabus is better? Let us talk about that. मैं new syllabus को थोड़ा सा advantage में या edge में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि new syllabus will give you complete knowledge of all the end accounting standards. और accounting standard का जो existing knowledge आपको IPCC में मिला हुआ है, और plus जो पुराने accounting standard जो बच गए, जो आप लोग IPCC में नहीं पढ़ पाए हैं,
वो देखो आईपीसीसी में जो आप पढ़ पाए उसका एस का नॉलेज आपको मिल गया, जो नहीं पढ़ पाए हैं वो टीचर लोगों का, हम लोगों का जिम्मेदारी है कि हम लोग आपको उसका नॉलेज दें। तो उससे आपका एस का पुराना नॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा और न्यू सिलेबस में आप इंडेस पढ़ लेंगे, तो आपको 250 करोड़ से कम वाला नेटवर्थ वाला कंपनी का भी अकाउंटिंग सीखने मिल जाएगा और जो बड़ा नेटवर्थ वाला कंपनी आप उसका भी अकाउंटिंग सीख पाएंगे। लेकिन लेट अस डिस्कस दी न्यू सिलेबस का, माने जो जिसको पूरा कंटेंट है या पूरा सिलेबस हम आपको, वो आपको एक बार सामने रखते हैं, आप उसको देखिए क्या क्या किया उन्होंने। थोड़ा सा हॉचपॉच है, उस हॉचपॉच को जरा डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। कंटेंट का फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा, लिखा एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 15, 21, 23, 25, 27 and 28। ये कोई भी एस आप आईपीसीसी में नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेट मी टॉक द नेम ऑफ ईच ऑफ देम। दिस इज ऑन एम्प्लॉई बेनिफिट्स, जिसमें आप ग्रेच्युटी अकाउंटिंग सीखेंगे। दिस इज ऑन इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। इंपेयरमेंट ऑफ असेट नाम सुने हो आप लोग, जब पढ़ेंगे तब सिर्फ सुनेंगे। दिस इज ऑन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको क्वार्टरली रिपोर्टिंग बोलते हो ना, क्वार्टरली बैलेंस शीट, क्वार्टरली पीएल। एंड ये तीनों जो है ना 21, 23 and 27, दिस इज ऑन कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब कौन सा चैप्टर, होल्डिंग कंपनी। ये छह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस में भी सीए फाइनल में रखा है और ये एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पुराने ये इंडेस नहीं है, ये एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मतलब सीए फाइनल न्यू सिलेबस का बच्चा ये छह एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेगा और उसको होल्डिंग कंपनी का सम्स एग्जिस्टिंग एएस से सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को होल्डिंग कंपनी का इंड एएस का सॉल्यूशन करना नहीं पड़ेगा, वो भी चैप्टर में है, वो आपको थोड़ा देर बाद में बताएंगे। मतलब अगर कोई छोटा कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 250 करोड़ से कम नेटवर्थ का कंपनी है, उसको भी कंसोलिडेशन करना पड़ता है। इंडिया में नया रूल आ गया है, दे विल कंसोलिडेट। आई हैव सम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज विथ मी इन विच देर आर सम एसोसिएट्स एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप्स, तो मेरे को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, इवन दो द नेटवर्थ्स आर हार्डली 2 करोड़ और 3 करोड़ और 5 करोड़ रुपीज। तो हम उसका कंसोलिडेशन कौन से एस से करेंगे, बोलिए एग्जिस्टिंग या इंड एस, एग्जिस्टिंग एस से। तो बच्चों को ये कंसोलिडेशन न्यू सिलेबस में जाने के बाद भी ओल्ड वाला जिसको एग्जिस्टिंग एस से कंसोलिडेशन करना आना पड़ेगा, ओके। तो ये छह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस में पढ़ना है। गंदा चीज क्या किया वो देखिए, द स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफ एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द क्वेश्चन। क्या खुल गया बताइए, आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ कि सीए फाइनल वाले बच्चों को भी ये छह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा न्यू सिलेबस में जाने के बाद भी, पर पुराना बाकी जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है उसका भी एक ओवरऑल नॉलेज उनको होना पड़ेगा। तो व्हाट आवर प्लानिंग इज कि हम लोग उन बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है ना, जो मेन मेन बात जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए अलग से हम लोग सर्टेन नंबर ऑफ क्लासेस लेंगे। मतलब ये छह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फुल फ्लेजेड पढ़ना पड़ेगा, फुल फ्लेजेड जैसे मैं पढ़ाता हूं आपको लिखा लिखा करके, और बाकी जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं एग्जिस्टिंग एज का बात कर रहे हैं, जो आप आईपीसीसी में भी पढ़े हैं उसमें से कुछ, आईपीसीसी में आप लोगों ने 18 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है, 9 इन आईपीसीसी ग्रुप 1 एंड 9 इन आईपीसीसी ग्रुप 2, तो 18 और प्लस और जो बच गया उन सबको हम लोगों को एक तो बेसिक नॉलेज देना पड़ेगा, उसके लिए क्लासेस का जरूरत पड़ेगा, ओके। हम पूरा क्लास का फ्रेमवर्क सारा चीज आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब आइए इसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ गाइडेंस नोट्स इश्यूड बाय आईसीएआई ऑन स्पेसिफाइड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। क्या हम लोगों ने, सब कोई प्लीज इन्वॉल्व रहो और बोलो, उस बच्चे को मेरी तरफ देखेगा ध्यान से, थोड़ा सा इधर आ जाओ, उसको बोलो थोड़ा इधर आ, सोता रहता है, और इधर आ,
हाँ, इसमें क्या हुआ है, अभी गाइडेंस नोट्स का पूरा लिस्ट तो इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आया है, बुक प्रिंट होना अभी बाकी है, तो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क जो है ना वो तो हम अभी आपको नहीं दे पाएंगे, बट मोर और लेस एक तो आइडिया आपको लग जाएगा। इसमें बहुत सारा गाइडेंस नोट नया इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे ऑयल एंड गैस, ओएनजीसी टाइप का जो कंपनी है, ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, मिनरल ऑयल का जो लोग निकालते हैं तेल, उसका गाइडेंस नोट इंडिया में 7 साल से, 7-8 साल पहले हम इंस्टीट्यूट ने इशू किया था, सीए फाइनल के सिलेबस में ही नहीं आया, आज तक नहीं आया। .com कंपनीज सिलेबस में ही नहीं आया, अभी दे आर टॉकिंग की ऑल दोज अकाउंटिंग, ऑल दोज गाइडेंस नोट्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सिलेबस। तो बहुत सारा गाइडेंस नोट आपको नया पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 to 6 आर न्यू गाइडेंस नोट्स, उसका लिस्ट आएगा, एक्सटेंट पता चलेगा, तब हम लोग नंबर ऑफ क्लास को डिजाइन कर पाएंगे, बट रफ मेरे को आइडिया है, हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ, देखिए क्या है, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ठीक उसके नीचे भी देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विथ रेफरेंस टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने वही चार्ट, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो और नोट्स, उसमें पूरा एप्लीकेशन ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये एक तो फ्रेमवर्क माने बेसिक आइडिया। इस दोनों को आपको एक साथ अगर देखेंगे इसका मतलब क्या निकलता हमको बताइए, पूरा इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा पूरा, और वो भी डिटेल्ड नॉलेज से, ताकि आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने आ जाए। अब पूरा इंडेक्स आप समझ रहे हो कि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स गोइंग टू बी अ रियल बिग थिंग। अभी जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, वो लोग खाली डिफरेंसेस पढ़ते हैं, एक एग्जिस्टिंग एस और इंड एस का डिफरेंस पढ़ते हैं, खाली उतना ही इंड एस का सिलेबस है उन लोगों का, और अभी पूरा इंड एस पढ़ने में आ गया है, एंड विल टेक ह्यूज नंबर ऑफ क्लासेस, इट विल रिक्वायर ह्यूज नंबर ऑफ क्लासेस। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इंस्टीट्यूट जब अपना बुक छापेगा और जब फर्दर नोटिफिकेशन वगैरह, अनाउंसमेंट वगैरह लाएगा, तब क्लियर कट पता चलेगा कि कितना डेप्थ से इंड एस पढ़ना है। मेरा अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट पे यही है कि फुल इंड एस का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, इसका मतलब एक एक इंड एस आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नाउ कम दिस, एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अदर देन बिजनेस कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड शेयर बेस्ड पेमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो अभी आप पढ़ ही रहे हो, वो सेम टू सेम है, वो तीनों जो कौन सा इंडेक्स 109, 107 और 32, वो सेम एकदम। अच्छा, बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए अगला अभी मना कर रहा है, पर बिजनेस कॉम्बिनेशन नीचे में इंक्लूड कर दिया है, माने वो वाला इंडेक्स भी पढ़ना है, और शेयर बेस्ड पेमेंट क्योंकि ये लोग थोड़ा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो इसके लिए वो बोला अलग से हम आपको डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल बैलेंस शीट बनाने के लिए जो इंडेक्स चाहिए वो ऊपर में पढ़ना है, और ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट का इंडेक्स को फिर से अलग से लिख दिया कि ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसको अमलगमेशन बोलते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंक्लूडिंग डिमर्जर, क्या लिखा, एज पर इंडेस, माने अमलगमेशन का चैप्टर एज पर इंडेस पढ़ना है। उसके बाद देखिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एज पर इंडेस, अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट्स एज पर इंडेस। वैसे बता रहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो आप पढ़ ही रहे हो इंडेस के हिसाब से, और शेयर बेस्ड पेमेंट भी जो आपने पढ़ा है ना, जो गाइडेंस नोट है वो इंडेस के हिसाब से ही पढ़ा है। आप कौन सा वाला शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़े हो? नहीं, गाइडेंस नोट का नाम बताइए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला पढ़े हो ना, तो उसमें तो खाली एम्प्लॉय का शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़े हो ना, हम तो और भी तो कई सारे लोगों को शेयर बेस्ड पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी से बिल्डिंग खरीदे और उसको शेयर इशू करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को बोले तुमसे हम 2 साल बाद तेरा कंपनी खरीद लेंगे और तुमको शेयर इशू करेंगे, अरे शेयर बेस्ड पेमेंट तो दैट कैन बी मल्टीपल, तो वो उस इंडेक्स में कवर होगा। और उसके बाद देखिए ये छूट गया एक बड़ा वाला ना,
ये छूटा ना हम लोग का, क्या है देखिए, कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एएस, मतलब बच्चों को होल्डिंग कंपनी दो बार पढ़ना पड़ेगा, एक एज पर एग्जिस्टिंग एएस माने छोटा छोटा कंपनी कैसे कंसोलिडेट करेगा अलग से पढ़िए, और इंड एएस वाला कंपनी कैसे कंसोलिडेट करेगा अलग से पढ़िए। तो होल्डिंग कंपनी दो बार पढ़ना है। अब इसमें अगर हम इस तरह से पढ़ा दें कि तुम एग्जिस्टिंग पढ़ लो, नया में ये डिफरेंस है, तो नहीं मजा आएगा, आपको दोनों पढ़ना है। माने 10 12 15 क्लास उसमें भी लगेगा और 10 12 15 क्लास इसमें भी लगेगा। हाउ रिलायंस विल कंसोलिडेट एंड हाउ मैग्नेट कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड विल कंसोलिडेट, मैग्नेट कॉमर्शियल माई कंपनी, दे टू आर डिफरेंट। सो होल्डिंग कंपनी का चैप्टर बच्चों को दो बार पढ़ना इन द न्यू सिलेबस। अच्छा, उसके बाद ये एनालिसिस, यहां तक हो गया मेरे बात, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉमन डिफेक्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी, थ्योरी का चैप्टर, ज्यादा देर नहीं लगेगा। अकाउंटिंग फॉर कार्बन क्रेडिट, सुनो कार्बन क्रेडिट के बारे में, क्या होता है कार्बन क्रेडिट? हाँ, मतलब आप अगर पोल्यूशन एफिशियंट कंपनी है, क्या पोल्यूशन एफिशियंट मतलब लेस पोल्यूटेंट, तो उस तरह की कंपनियों को कार्बन क्रेडिट मिलता है, एक तरह का इनकम है उसका, अकाउंटिंग है, वो नया चीज एक तो इंट्रोड्यूस हुआ सिलेबस में, नॉट अ बिग थिंग। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर ई कॉमर्स कंपनी, नहीं ई कॉमर्स कंपनी और डॉट कॉम कंपनी अलग है, ई कॉम कंपनी हो गया फ्लिपकार्ट, हाँ मेरा कंपनी एक तो छोटा सा किड स्मार्ट, अभी चालू किया हम लोग एक स्मॉल वेंचर, तो उस तरह के जो मार्ट जिसके आगे लगा हुआ था, कार्ट मार्ट जो कंपनी सब है ना, उस तरह की कंपनी का अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर ई कॉमर्स कंपनीज, वो ज्यादा ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। और उसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रिपोर्टिंग में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग छोटी चीज है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आप लोग पढ़े हैं ना गाइडेंस नोट में, वो है सेम चीज। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आप लोग पढ़े हो, ह्यूमन रिसोर्स नहीं पढ़े हो, वो पुराना सिलेबस में है, सेम है। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट भी पुराना सिलेबस में है, सेम। आप लोग वैल्यू एडेड स्टेटमेंट पढ़े, मजा आया होगा पढ़ करके, बड़ा इजी इजी एकदम, होमवर्क क्लास वर्क सब, होमवर्क बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो होमवर्क क्लास वर्क सब बनाइएगा, नहीं तो सीए फाइनल पक्का फेल, हम बता दे रहे हैं। नो होमवर्क नो सीए फाइनल पास, ये मान अभी से मान के चल लीजिए, और जब नया सिलेबस में जाएंगे तो फिर और बवाल है। सो एनीवे, सब कुछ जानते हो, सिलेबस का टाइमिंग कितना दिन में खत्म होगा ये क्या चीज पे डिपेंड करेगा मालूम, नया सिलेबस के बारे में बोल रहे हैं। जैसे इन द ओल्ड सिलेबस आई यूज टू टेक समवेयर इन बिटवीन 90 टू 100 नंबर ऑफ क्लासेस, इन द ओल्ड सिलेबस 90 टू 100 नंबर ऑफ क्लासेस, इन द न्यू सिलेबस सब कुछ डिपेंड करेगा इस चीज के ऊपर, रुकिए मैं बता दूं इस चीज के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विथ रेफरेंस टू जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब एक एक इंड एएस का इन डेप्थ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या खाली कुछ इंड एएस पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल अमलगमेशन वाला इंड एएस पढ़ना है डिटेल में, होल्डिंग वाला इंड एएस पढ़ना है डिटेल में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है डिटेल में, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ना है डिटेल में। अगर बाकी इंड एएस शॉर्टकट में पढ़ना पड़ेगा ना, तो नंबर ऑफ क्लासेस विल बी हाँ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, और अगर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो नंबर ऑफ क्लासेस विल बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। मेरा मानना है कि एक सीए फाइनल के बच्चे को डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग जब क्वेश्चन सेट करेगा ना, वो लोग इतना गंदा होता है कि वो बोलेगा कि तुमसे हमको चाहिए क्या नॉलेज, वो एलिमेंट्री बेसिक नॉलेज, और क्वेश्चन डालेगा एक्सपर्ट नॉलेज वाला। तो टू मी इन डेज का इन डेप्थ नॉलेज न्यू सिलेबस के बच्चे को होना चाहिए, वो भी सर्टेन नहीं फॉर ऑल इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको एक चीज तो फोकस में दिखा होगा कि मोर और लेस अगर एस के हिसाब से अगर क्वेश्चन को बनाएं, माने सिलेबस को बात करें, तो एग्जिस्टिंग कितना तो एस सिलेबस में है, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग वाला एस कितना तो सिलेबस में, देखिए
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एग्जिस्टिंग छह ठो एस सिलेबस में है, एग्जिस्टिंग एस छह सिलेबस में है, बोलने दो बाकी का। हाँ बाकी के लिए खतरनाक पॉइंट कौन सा, द स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इफ एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, तो बाकी का एस का भी एलिमेंट्री नॉलेज तो होना ही पड़ेगा। इंड एस एक तरह से सारा सिलेबस में है, लेकिन अभी जिस तरह से लिखा गया है पेपर को उसमें क्या कहानी है, शेयर बेस्ड पेमेंट का पूरा डिटेल में है, बोलते जाइए, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूरा डिटेल में है, अमलगमेशन पूरा डिटेल में है जिसको बिजनेस कॉम्बिनेशन का नाम दिया जाता है, और कंसोलिडेशन पूरा डिटेल में है। सॉरी 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 सॉरी, दिख ही नहीं रहा तुम लोगों को, ये नहीं दिख रहा था, एक बार फिर से बोलता हूं मैं, एग्जिस्टिंग एस जो पुराना सिस्टम है उसमें छह एस सिलेबस में है, इंड एस में ये जो इंड एस है ये सिलेबस में फुल फ्लेजेड, और बाकी का स्टेटस पता नहीं है। डिड यू गेट द पॉइंट? और इसके अलावा ये जो छोटा छोटा चैप्टर है बताओ क्या क्या, अच्छा और एक चीज है, गाइडेंस नोट सिलेबस में है, हेलो, और गाइडेंस नोट्स में बहुत सारा न्यू गाइडेंस नोट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, उसका प्रॉपर लिस्ट इंस्टीट्यूट जब बुक इश्यू करेगा तभी पता चलेगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ बुक्स इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू प्रिंट, दैट विल एक्चुअली डिटर्मिन हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासेस वी आर गोइंग टू टेक। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं नंबर ऑफ क्लास का डिस्कशन करूं ना, दैट विल बी फ्यूटाइल, दैट विल बी वर्थलेस, वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट नाउ। बट मेरा असेसमेंट है, मेरा अपना सेल्फ असेसमेंट जो इतना साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 22 साल हो गया, मेरा असेसमेंट है अगर अभी मेरे को 90 से 100 क्लास लग रही है तो आने वाले दिनों में मेरे को 120 से 130 क्लास लगेगी, ये मेरा असेसमेंट है, 30 क्लासेस मोर, लेकिन इट विल कम डाउन इफ, बोलो क्या, इट विल कम डाउन सिग्निफिकेंटली इफ इन डेज का, बाकी जो इन डेज बच गया उसका अगर इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिएगा ना, तो सिग्निफिकेंटली नंबर ऑफ क्लासेस विल कम डाउन, इवन इट विल रिक्वायर लेस देन 90, मेरा सिलेबस छोटा हो जाएगा, इट विल बी कंप्लीटेड इन अराउंड 80 क्लासेस, फीस कम नहीं होगा लेकिन माई नंबर ऑफ क्लासेस विल गेट रिड्यूस्ड। तो मेरी समझ से नंबर ऑफ क्लास के बारे में अभी डिस्कशन करने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन एक चीज आपको फील मिला होगा कि सीए फाइनल सिलेबस इज अबाउट इंडेस, और थोड़ा सा मतलब और आगे बढ़ जाए तो यू टू स्टडी द गाइडेंस नोट्स, गाइडेंस नोट्स पढ़ के तो मजा आया होगा, इतना सारा गाइडेंस नोट आप पढ़े, अब नया नया और गाइडेंस नोट पढ़ना पड़ेगा, ऑयल एंड गैस वाला, .com कंपनीज वाला, मजा आएगा पढ़ करके। तो दिस इज माई टेक जो जो मैंने आपको, अच्छा और एक बात सुनिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम में ना बहुत सारे उस तरह के चैप्टर थे जैसे कैपिटल मेंटेनेंस, आप लोग पढ़े कैपिटल मेंटेनेंस वाला चैप्टर, नहीं पढ़े वो हटा दिया सिलेबस से। हाँ सबसे बढ़िया बात तो वो साला घटिया चैप्टर जिसका तुम लोगों ने अभी क्लास किया, बाप रे बाप, कौन सा बोलो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड, वो पूरा चीज को सिलेबस से बाहर कर दिया, और जानते हो क्या किया उसके साथ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को आईपीसीसी में डाल दिया, बोला ये पाप फाइनल का बच्चा लोग नहीं करेगा, आईपीसीसी के बच्चों को करने दो, पर उनके खाली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डाला है, इक्विटी शेयर बिजनेस और ब्रांड वगैरह को उसमें इंक्लूड नहीं किया है, उसको थोड़ा आईपीसीसी में शिफ्ट कर दिया है। और जानते हो आईपीसीसी का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज है ना, उसमें सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाल दिया, तो गंदा गंदा कुछ कुछ चैप्टर हट गया, जैसे एनबीएफसी आपके सिलेबस से हट गया, म्यूचुअल फंड भी तो हट गया ना, म्यूचुअल फंड देखे थे, म्यूचुअल फंड मिला था रे, हाँ म्यूचुअल फंड भी हट गया है, वो वाला किताब भी हट गया समझ लो मोर ऑर लेस, तो कौन सा वाला जो, हाँ वैल्यूएशन वाला जो बुक है वही मोर ऑर लेस हट गया है, उसमें से क्या क्या रह गया है, हाँ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट रह गया और ह्यूमन रिसोर्स का रिपोर्टिंग रह गया है। खैर इन सब में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये सीन है, अब आप लोग आराम से बैठ करके डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों को कौन से सिलेबस में जाना है। मैं खाली आपको यह बता दूं, इफ यू आर इन द ओल्ड सिलेबस तो इंड एस का आपको खाली एलिमेंट्री नॉलेज होता है,
एलिमेंट्री नॉलेज जो कि 7 to 8 क्लास में हो जाता है, लेकिन अगर आप न्यू सिलेबस में शिफ्ट करते हो तो इन डेज का आपको वास्ट नॉलेज होगा। ये मेन डिफरेंस है। हाँ, सारा बात का जवाब हम देंगे, ये मेन डिफरेंस है। और नंबर ऑफ क्लासेस पे हम अभी कमेंट नहीं करेंगे। फुल फ्लेजेड सिलेबस, हाँ इतना खाली आउटसेट पे बोल देते हैं, अगर फुल फ्लेजेड इन डेज मुझे पढ़ाना पड़ा तो पूरा सीए फाइनल में मेरे को कितना टाइम लगेगा, पूरा पढ़ाना पड़ा तो 120 टू 130 क्लासेस और 3 आवर्स। और अगर इन डेज डेप्थ में नहीं आया तो 80 क्लासेस के अराउंड, 80 टू 90, ये सीन है। अब मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लोगों ने बाकी ट्यूशंस नहीं लिया है, क्या बाकी ट्यूशंस नहीं लिया है, तो आप लोग न्यू सिलेबस में सिर्फ, ये मेरा पर्सनल मतलब, मैं अगर स्टूडेंट होता आपकी जगह पे, अगर मैं होता और मैं सिर्फ अकाउंट्स का ही ट्यूशन अभी तक पढ़ रहा होता, 2 महीने तो हुआ अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते, उसमें भी तो बहुत सारा कॉमन है, बहुत सारा न्यू सिलेबस में भी है, लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट न्यू सिलेबस में है, सारा गाइडेंस नोट्स न्यू सिलेबस में है। और आप पढ़े भी क्या है, गुडविल पढ़े खाली, और क्या वो जो वैल्यूएशन वाला चैप्टर वो सिलेबस से नहीं है, तो क्या दिक्कत है, पढ़ लिया, एक्स्ट्रा पढ़ लिए। तो अगर आप लोग बाकी ट्यूशन नहीं लिए हो तो माय सजेशन इज दैट यू कैन गो टू माय टेक, योर टेक अभी भी बाकी है, फाइनल तुम्हारा ही टेक रहेगा, मेरा नहीं। मेरा सजेशन है कि न्यू सिलेबस में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, कॉस्टिंग वॉस्टिंग पढ़ लिए हो, मान लो क्या नाम है, FM पढ़ लिए हो, तो ओल्ड सिलेबस में शिफ्ट करना थोड़ा सा, क्या नाम, हाँ न्यू वाले में शिफ्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत है। अब पूरा आपका टेक है, इफ यू गो टू न्यू सिलेबस एफर्ट विल बी एटलीस्ट 30% मोर। मैं बाकी चैप्टर्स का भी, बाकी उसका भी देख रहा था, बाकी सब्जेक्ट्स का भी, एटलीस्ट 30% मोर एफर्ट्स, 30 to 40% मोर एफर्ट्स इन ऑल दी सिलेबस। एक नया टॉप, नया पेपर आया मालूम है कि नहीं, वो गंदा वाला पेपर हट गया है, अरे बाप रे बाप, वो तो टॉर्चर था, एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड सिंस लॉन्ग कि आप उसको हटाइए, इसका को उसकी जगह ये लोग डाल दिया, एक तो इलेक्टिव्स, 6 इलेक्टिव डाला है, उसमें से आपको कोई भी एक पेपर चूज करना है, एंड इट्स वो क्यों किया गया मालूम, टू इंप्रूव, टू गिव यू सम स्पेशलाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब उसमें एक पेपर है, मैं आपको कुछ कुछ पेपर्स के बारे में बताता हूं, उसमें 6 पेपर क्या क्या जरा बताओ तो, हाँ रिस्क मैनेजमेंट, एक बोलने दो, एक एक करके बात करता हूं, हाँ एक एक करके बात करता हूं, 1 by 1 लेट अस डिस्कस। उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट का पेपर डाला है, विच इज योर FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, आप लोग सुनते हैं FRM बोल के, एक तो सिलेबस है, बच्चे लोग पढ़ते हैं, मेरा साला भी कर रहा है FRM, आज तक एग्जाम नहीं दिया वो, हाँ उसका फीस बड़ा है इसीलिए शायद नहीं दे रहा वो, जीजा से मांग लेता अपना ना, एनीवे, तो ये एक तो डिसेंट पेपर है, ये इलेक्टिव में, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना तो आप रिस्क मैनेज करना सीख जाएंगे। तो जितना भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज है, से मोतीलाल ओसवाल टाइप्स, या मान लीजिए उस तरह का जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी सब, एडलवाइस, हाँ श्रेई टाइप्स, वो लोग आपको हायर करेंगे अगर आप FRM पढ़ लेते हैं, तो रिस्क मैनेज करना सीखेंगे ना, तो स्पेशलाइज नॉलेज हो गया, क्योंकि आपका जो FM का पेपर है, जिसको आप लोग SFM बोलते हो कि माफा बोलते हो, SFM, उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट का पोर्शन नहीं पढ़ाया जाता, उसमें एक ही लाइन होता है बस, डाइवर्सिफिकेशन कर लो रिस्क मैनेज हो जाएगा, इतना आसान होता तो फिर हो ही जाता रिस्क मैनेज करना। सो ये एक तो पेपर है, बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है, तो अगर किसी को उस तरह का स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए तो ऑब्वियसली न्यू सिलेबस में जाना ही होगा, और जाओगे उसके बाद आपको इलेक्ट करना है, उसमें भी ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा आपके लिए, मैं बता देता हूं। इफ यू गो टू द न्यू सिलेबस, जैसे इफ यू आर इन द ओल्ड सिलेबस तो इसका इज द ऑब्वियस चॉइस, बट इफ यू आर गोइंग टू द न्यू सिलेबस दिस इज अ टास्क, वेरी इंटरेस्टिंग, टाइम लेकर के आराम से जज करना अपने आप को। और एक पेपर क्या है, एक तो कैपिटल मार्केट पे पेपर आया है मालूम है, जबरदस्त पेपर है, दैट इज SFM नंबर 2,
SFM 1 पढ़ते हैं ना आप लोग, ये SFM नंबर 2 है, बहुत जबरदस्त पेपर है, मेरा इंटरेस्ट का पेपर है। कोई दिन मेरा मूड करेगा तो हो सकता है हम पढ़ाने लग जाएं। नहीं नहीं नहीं, कोई दिन मेरा मूड करेगा तो, क्योंकि हम लोग जिंदा इसी में रहते हैं, मरते इसी में। इट इज माई पैशन। उसके बाद एक पेपर लाया, जबरदस्त पेपर, टैक्सेशन का, मालूम? हाँ, इंटरनेशनल टैक्सेशन। मैंने हेट किया हमेशा इस सब्जेक्ट को, टैक्सेशन आई डोंट लाइक, टैक्स पेमेंट तो आई बिल्कुल ही डोंट लाइक, और टैक्सेशन आई डोंट लाइक, बट दिस इंटरनेशनल टैक्सेशन पेपर इज जबरदस्त। क्योंकि मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाहर हैं, इंडिया के बाहर प्लेस्ड हैं, वो लोग हमेशा उस चीज की, इस चीज के बारे में बात करते रहते हैं। मेरा वन फ्रेंड है दुबई में है, एक सिंगापुर में, एक यूके में है, ये लोग बात करता था इस पेपर के बारे में। इट्स अ गुड पेपर। एक पेपर लाया है हम लोग का, हेलो, वो तो हम भूल ही गए, अरे वो, हाँ, IFRS। अगर आपको इंड एस का नॉलेज हो गया ना, जो कि होगा अगर आप न्यू सिलेबस में जाएंगे, ये पेपर फ्री का। क्या मतलब फ्री का बोलिए तो? पूरा कवर हो जाएगा ना, अगर वहां पे इंड एस का इन डेप्थ नॉलेज मांग लिया ना, तो फिर यहां पे IFRS फुल कवर हो गया, बिकॉज IFRS नथिंग बट इंड एस पैकेज्ड इन अ गुड पैकेट, इंडियन पैकेट। व्हाट इज इंड एस? IFRS पैक्ड मेड इन इंडिया। नहीं समझे? तो अगर आप इंड एस वाला पेपर पढ़ लेते हैं ना, तो ये जो IFRS वाला जो पेपर लाया है, ये ऐसे ही कंप्लीट हो गया। वर्चुअली नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये समझ लो, वर्चुअली नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें खाली एक तो पेपर ला, इसमें तो सब वो लाया है टॉपिक IFRS वर्सेस US गैप, वर्सेस सूनर और लेटर US गैप विल ऑल्सो बिकम IFRS, बिलीव मी और नॉट, बाई 2020 US गैप नहीं रहेगा, US गैप विल बिकम IFRS। लेकिन उसमें एक टॉपिक वो वाला है, मतलब अमेरिका कैसे अकाउंटिंग करता है, लंदन कैसे अकाउंटिंग करता है। अमेरिका इज US गैप, IFRS इज लंदन, दो ही तो बड़ा बड़ा इकोनॉमी होगा ना, एक यूरोपियन यूनियन और एक तो अमेरिका वाला लोग, तो उसका एक तो टॉपिक है उसमें, उसमें लगेगा कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा, US गैप वर्सेस IFRS। ये सुनिए, अगर आप न्यू सिलेबस में ऑप्ट करते हैं ना, तो अकाउंट्स का तो वो पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बड़ा वाला पेपर, उसके साथ ये मुफ्त, बट प्रोवाइडेड उसमें इन डेप्थ नॉलेज हो इन डेज का। तो यहां IFRS में वो एज इट इज चल जाएगा, नहीं तो फिर उसका फिर इन डेज का एलिमेंट्री नॉलेज वहां दे देगा, और यहां पे IFRS में इन डेप्थ जाना पड़ेगा, तो फिर नंबर ऑफ क्लास अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वहां 80 लग जाएगा, रेस्ट 40 यहां लग जाएगा, बट एनीवे आपको इन डेप्थ तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप ये वाला इलेक्टिव लेते हो तो। और क्या लाए? इकोनॉमिक लॉज, प्लीज आई कांट कमेंट ऑन दिस सब्जेक्ट। और एक तो क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, मतलब किसी भी डिसिप्लिन से हम केस स्टडी लेकर आ सकते हैं। ओके, है ना, उसमें पढ़ाएगा कोरस और टिस्को का जो मर्जर हुआ और वगैरह वगैरह, बड़ा बड़ा चीज, हिंडाल्को ने जब नोबेल इसको लिया, उस तरह का सब्जेक्ट डिजाइन करेगा। सी फॉर मी, मैं अगर आपकी एज में होता, आंख मूंद के मैं न्यू सिलेबस में जाता, एंड नो डाउट अबाउट दैट। अब आपको डिसाइड करना है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम विथ यू। आपका जो भी डिसीजन होगा वो हम आपके साथ रहेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा फीस देना नहीं पड़ेगा, हम न्यू सिलेबस में आपको शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जिसको ओल्ड सिलेबस में पढ़ना है, 40% लेस एफर्ट से आप सीए बनेंगे। हाँ, अब ये आपके ऊपर है, आप ओल्ड सिलेबस ले, न्यू सिलेबस ले। हाँ, सीए बनने के बाद हम नॉलेज ले लेंगे, बुक खरीद लेंगे इंस्टीट्यूट का, पहले सीए बन जाएंगे, उसके बाद हम नॉलेज ले लेंगे। हाँ, ये भी एक एजेंडा है, बच्चों का थॉट प्रोसेस हो ही सकता है, दिस इज ऑल्सो गुड। मैं नहीं बोलूंगा कुछ भाई यार, प्लीज, मेरा कोई इसमें कमेंट नहीं है। ओल्ड सिलेबस लेस एफर्ट, न्यू सिलेबस मोर एफर्ट बट वेरी डिग्निफाइड एंड डिटेल्ड नॉलेज। अभी तो टास्क है टीचर लोगों का, अभी हम लोगों का बड़ा टास्क है,
मेरा तो अगला 6 महीने का छुट्टी उट्टी सब बंद। हम बोले अभी मेरे को छुट्टी दे दो, और मैं गया उसके तुरंत बाद ही अनाउंसमेंट आ गया। मैं बोला यार छुट्टी भी ठीक से बिताने नहीं दिए ये लोग। बट एनीवे ये स्टोरी लाइन है, आपको कुछ भी पूछना आप मेरे से पूछ सकते हो स्पेसिफिकली अबाउट माई सब्जेक्ट। बोलो। हाँ बोलो बेटा। पहला एग्जाम तुम मई 18 में देना चाहते हो, ओके। हाँ हाँ वेरी गुड। आराम से करिए, आराम से कभी भी आइए। हाँ ये अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा। देखो ये एक तो डाइसी क्वेश्चन, मैं समझ गया समझ गया समझ। अरे आई गॉट इट सर, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन वन बॉय हैज आस्क्ड। लेट मी फर्स्ट पुट द क्वेश्चन बिफोर यू, एंड इस तरह का क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बच्चे ने जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। बोला कि सर मान लीजिए मैंने एग्जिस्टिंग सिस्टम में एग्जाम दे दिया, पास भी कर गए, अब मेरे को इंडेस का इन डेप्थ नॉलेज लेना है और आप किसी क्लास में आकर के लेना है, तो क्या मेरे से फीस चार्ज किया जाएगा? ये मैंने अभी सोचा नहीं है, होपफुली हम लेंगे। मैंने बोला अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो बात हो जाएगा, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएंगे, आप ज्यादा फीस पेमेंट करने की कैपेबिलिटी रखेंगे, सो यू शुड पे मी मोर फॉर दैट। बट दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स? हाँ बोलो। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनिए। इसके बाद वाला जो बैच स्टार्ट होगा, मतलब समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तुम लोग का ये वाला कब चालू हुआ था? अप्रैल। तो अप्रैल मतलब मई एग्जाम के पहले, तो इसका मतलब नेक्स्ट एग्जाम होगा नवंबर। तो नवंबर के पहले जो अक्टूबर 8-10 जो भी डेट समझ लो, वहां से जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा दैट विल बी न्यू सिलेबस। उस वक्त हम ओल्ड सिलेबस पढ़ाना बंद कर देंगे, दैट विल बी टोटली न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन सर ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट अगर आएंगे, मान लीजिए ऑप्ट तो कर ही सकते हैं बच्चे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वीडियो क्लासेस लेंगे। हम लोग अभी जो वीडियो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ओल्ड सिलेबस का ही है, तो ये वाला क्लास उन लोगों को देंगे। सो माई नेक्स्ट टीचिंग लाइव क्लासेस विल बी अवेलेबल ओनली इन द न्यू सिलेबस फ्रॉम अक्टूबर। फ्रॉम अक्टूबर लाइव ओल्ड सिलेबस विल बी स्टॉप्ड, बट उसके लिए वीडियो क्लासेस आप लोगों को मिलेगी, जैसे मिलती है अभी भी जो बैकअप क्लासेस होती है ना। आप लोग भी तो कोई क्लास आज नहीं आते, सुबह तो शाम को आते हो ना, क्या क्या करते हो? जैसे आज जो बच्चा मिस किया वो क्या करता है? हाँ कल सुबह कर लेगा। हाँ तो आप लोग तो जो करते ही हैं उसमें, सुनते कि उसमें बहुत सारे बच्चे लोग आप लोग जा जाके करते हैं, कोई कोई तो पूरा चैप्टर छोड़ देता है, ऐसा मैंने सुना आप लोगों में से कोई कोई किया होगा। बट एनी वे ओल्ड सिलेबस विल बी अवेलेबल ओनली इन वीडियो क्लासेस फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर, दैट्स क्लियर। दो दो चीज पढ़ाने का प्रेशर लेना इम्पॉसिबल है किसी टीचर के लिए, मैं तो बिल्कुल ही नहीं ले पाऊंगा 22 साल के बाद, हम लोग का रिटायरमेंट का एज है। एनीवे नेक्स्ट, ओके, इट्स अ वेरी डाइसी क्वेश्चन। बोला इंस्टीट्यूट का कुछ ऐसा है क्या, माने वैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कि ओल्ड वाले को रोक देगा न्यू वाले को पास कर देगा, या न्यू वाले को रोक देगा ओल्ड वाले को पास कर देगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं है बोलूंगा, ये भी नहीं है कि ओल्ड वाले को पास कर देगा और न्यू वाले को रोक लेगा, दोनों ही नहीं है। आप पेपर लिख के आएंगे आप पास करेंगे, आप नहीं लिख के आएंगे आप फेल करेंगे। बाकी उनको जो एक तो जनरल कट ऑफ करना पड़ता है, हम इतने लोगों को ही पास करेंगे, वो है। जॉब में प्रेफरेंस होगा न्यू वालों का, न्यू सिलेबस में पास करने वाले बच्चों का जॉब में प्रेफरेंस होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, इसको लेकर के हम 100% श्योर। ये मैं बता दूंगा आप लोगों को, अगर आप न्यू सिलेबस में ऑप्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कब रोक देना चाहिए, ये हम लोग अगले 1-2 दिन में बता देंगे। आप अपना डिसीजन बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। मैं समझ गया, जैसे कुछ जो मैं ओल्ड में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप लोग उसका क्लास क्यों करने आएंगे, उतना टाइम हम बचाएंगे ना, कुछ और में कुछ और काम कर लेंगे। तो वो पूरा बातचीत जो है आप लोगों को रोक देना तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाद ही चाहिए। जैसे अगर आप न्यू सिलेबस में जाना चाहते हो ना, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ो,
और उसके बाद रोक दो, ठीक है, बोलने दो। और जो सैटरडे की क्लासेस चल रही हैं उसमें अभी बायबैक चल रहा है, तो बायबैक खत्म हो गया तो उसके बाद वो ह्यूमन रिसोर्स और एनबीएफसी वगैरह होगा, तो ह्यूमन रिसोर्स वाला क्लास कर लेना, एनबीएफसी वगैरह आपको ड्रॉप कर देना पड़ेगा, वो तो बेकार ही हो गया, पूरा बेकार। तो आप लोग रोक सकते हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खत्म आप रोक दीजिए, माने इस वीक के एंड के बाद आप रोक दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फर्दर कैसा आप लोगों का जब नया कोर्स डिजाइन होगा तो उसमें कैसे कैसे आप लोगों को आना है हम उसके बाद ही बता पाएंगे, बट यू कैन स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर फाइनेंशियल, इसको कर लो बिकॉज दिस इज अ ब्यूटिफुल चैप्टर, इसको कर लो कंप्लीट। एनीथिंग मोर? वो हम ऐसे भी देंगे, जब आप नए सिलेबस में शिफ्ट करेंगे ना तो एग्जिस्टिंग एस का नॉलेज हम वैसे भी देंगे, और आप इसमें कंटिन्यू करके भी उसके बाद भी उसमें करना चाहोगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सर हम एग्जिस्टिंग एस का नॉलेज पहले ले लेना, आपको एस का बुक मिल गया, एग्जिस्टिंग एस का बुक? हाँ, तो वो मिलेगा। सर हम एस पहले पूरा इसमें पढ़ लेना चाहते हैं, उसके बाद हम इंडिया एस में शिफ्ट करेंगे, दैट यू कैन डू, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, बिकॉज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के तुरंत बाद हम एस ही पढ़ाएंगे। जो लोग ओल्ड सिलेबस में कंटिन्यू करेंगे उन लोगों को एएससी पढ़ाएंगे। कंप्लीट? तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए, आराम से टाइम लेकर के डिसाइड कीजिए, मेरा कहानी वही है। और जो लोग ओल्ड से न्यू में जाना चाहेंगे हमको इन बिटवीन बता देना आप लोग, सो दैट हम आपको उधर में शिफ्ट कर दें, आप लोगों से कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। डन, थैंक यू वेरी मच। आराम से कर सकते हो, आराम से, मैं समझ गया, आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और रादर मतलब न्यू सिलेबस के अलावा अगर कोई मेरे को बोले तो हम ये वाला चीज और करना चाहेंगे, अगर कोई दो दो ग्रुप एक एक करके देना चाहे।